वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल विवाद पवन कुमार। ये ब्लॉग एक बस जर्नी होने वाला है। मैं हैदराबाद से मुंबई तक की बस जर्नी को आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अभी लकड़ी का पुल पे हूँ मैं। ये लकड़ी का पुल मेट्रो स्टेशन है, यहीं से मुझे बस बोर्डिंग करना है। तो मैं वही बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। 6:20 को यहाँ से बस मिलेगी मुझे। अभी 5:30 बज रहे हैं, तो वेट करते हैं बस का। मुझे टिकट पड़ा है 808 रुपये हैदराबाद से मुंबई तक का। अभी लकड़ी का पुल पे हूँ, यहाँ पर पिकअप वैन आएगी अभी। तो 6:20 का टाइमिंग है, देखते हैं कब तक आती है। और यहाँ से पिकअप वैन अपन को सिटी के आउटस्कर्ट्स में ले जाएगी। ये पिकअप वैन आ गई है। अभी टाइम 6:30 हो रहा है। हम पिकअप वैन में चढ़कर बैठे हैं और लोगों की आने का इंतजार कर रहे हैं। अभी लगता है 7:30-8 बजे तक बोर्डिंग होगी बस में। मैं आपको वहां पर पहुंच के मिलता हूं। बस तो आ गई है, अभी बोर्डिंग करना है। मेरा U14 है। चलो देखते हैं कहाँ है बस। मैं अंदर आ गया हूँ, आप इंटीरियर देख सकते हो। मेरा सीट U14 है। चलो देखते हैं, यही है मेरा सीट। आप देख सकते हो ब्लैंकेट्स दिया गया है और यहाँ पर सॉकेट्स दिए गए हैं, चार्जिंग सॉकेट्स और एसी विंटर्स है, ब्लू कर्टन्स है और एक टीवी दी गई है। इंटीरियर कुछ ऐसा दिखता है। ये पीछे आप देख सकते हैं इमरजेंसी एग्जिट दिया गया है और यहीं पर लास्ट मेरी सीट है। यहाँ पर आप देख सकते हो LED टीवी भी स्टार्ट हो गई है। और अभी अपन सिटी में ही है, सिटी अभी तक क्रॉस नहीं किया है। ये लिमो लाइनर बस है और बहुत अच्छी है और कंफर्टेबल है। सीट्स भी बहुत कंफर्टेबल है। मैं तो अभी सो गया हूँ। तो अभी आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाऊंगा या बीच में कहीं हाईवे हो गए तो मैं आपको दिखाऊंगा। और स्लीपर है मेरा तो विंटर से। अभी अपन सिटी तो क्रॉस नहीं है। कर्टन्स भी दिए गए हैं और यही व्यूज देख रहा हूँ। अपनी सिटी के बाद में आपको जो भी हाईवे रहेंगे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल देकर गए हैं। यही बिस्लेरी का है कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल। और हम आउटस्कर्ट्स में आ गए हैं हैदराबाद के। और मैं लेटा हुआ हूँ। अभी लाइट्स भी ऑफ कर दिया गया है और देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ऑलमोस्ट सभी सो गए हैं, मैं अकेला अभी नहीं सोया। मैं आपको कुछ और भी रोड्स दिखाऊंगा।
यहाँ पर होटल महिंद्रा पैराडाइज में 20 मिनट्स का हॉल्ट है, तो बस अभी आई है। आपको डिनर करना है तो यहीं पर कर सकते हो, तो डिनर का हॉल्ट है ये। अभी टाइम 9:37 हो रहा है, अभी एक 20 मिनट में ये निकल जाएगी यहाँ से। ज़हीराबाद से पहले ये मुंबई हाईवे पे लोकेटेड है ये होटल। ये एक रोटी और पालक पनीर, ये एक रोटी और पालक पनीर खाने वाला हूँ आज के डिनर में, बस एक ही रोटी खाने वाला हूँ। एक रोटी का 25 रुपये और 160 रुपीज पालक पनीर का हुआ, तो 200 तक एक आज का डिनर हुआ मेरा। तो अभी यहाँ से निकलना है, चलो आगे की जर्नी मैं दिखाता हूँ आपको। अभी टाइम रात का 1:15 हो रहा है, सोलापुर क्रॉस कर रहे हैं अभी, ये गाड़ी सोलापुर में चल रही है अभी। गुड मॉर्निंग गाइस, अब तो मॉर्निंग के 5 बज गए, अभी पूना रीच हो गए। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी पूना रीच हो गए अपन, और ये आप देख सकते हो ये पूना रेलवे स्टेशन। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, हम पूना पहुंच गए, लगता है 8 बजे तक मुंबई पहुंच जाएंगे। मैं आपको पूना मुंबई हाईवे दिखाऊंगा, एक्सप्रेसवे जो है। पूना सिटी क्रॉस करने के बाद एक्सप्रेसवे लगेगा, वहां से मैं आपको नज़ारे दिखाऊंगा। ये पनवेल टोल गेट के पास है अपन, अभी मुंबई में एंट्री कर रहे हैं। We are now in New Mumbai.
मैं अभी मुंबई को रीच हो गया हूँ, यहाँ पर फ्यान में उतरा अभी ड्रॉप पॉइंट पर। तो अभी बस तो चले गई उतारने के बाद, और बस बहुत ज़्यादा हिल रही थी रात में, जैसे कि वो गिरा देगी ऐसा हिल रही थी। मास्क तो इधर कंपलसरी है, इसलिए मैं ऐसा लगा लिया था, लेकिन फॉग हो जा रहा है चश्मे पे, इसलिए ऐसा नीचे कर रहा हूँ। अभी मैं सियान फ्लाईओवर के पास हूँ, और जर्नी एक्सपीरियंस तो अच्छी थी, लेकिन वही जर्नी में बहुत ज़्यादा हिल रही थी बस। तो वही महाराष्ट्र में एंट्री करने के बाद हिल रही थी। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और थैंक यू सो मच।